अब गुरुजी ने अंकल मेरे को जब अपने पास बुलाया, जब मैं गुरुजी को मतलब पहली बार मैं गया, तो मुझे मेरी भाभी ने बड़े मंदिर के बारे में बताया था, जबकि वो खुद नहीं जाती थी, उनकी भाभी जाती थी बड़े मंदिर। तो लेकिन एक दिन वो आए हमारे घर में और उन्होंने बताया कि कुछ उस समय कुछ परेशानियां चल रही थी, काम वगैरह सब गड़बड़ हो रखा था, मैं परेशानी में था, डिप्रेशन में था। तो उन्होंने कहा भैया अगर आप मेरी बात मानो तो एक बार चलोगे? तो मैंने कहा चलते हैं। शुरू से हमारे यहाँ हमारे घर में धार्मिक माहौल रहा है, तो मंदिर में जाने में तो कभी मतलब मना करा ही नहीं जाता। तो वहां गया तो वहां कुछ एक अलग ही मेरे को एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि एक मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में एक ऐसा मंदिर है जहां पर पूजा पाठ हर तरीके से होता है, लोग तो माथा भी टेकते हैं, उनको आशीर्वाद भी मिलता है, लेकिन जो आडंबर है, जो ये प्रसाद चढ़ाना और पैसा चढ़ाना और ये सब जो चीजें हैं वो सब वहां पे नहीं है। तो एक वो चीज मेरे को बहुत ही वो लगी कि मतलब तो देखो गुरु जी ने कैसा एक ऑरा बना दिया अपने स्थान पर, कि जहां पर लंगर प्रसाद भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कोई चढ़ावा नहीं दे रहा है। और कोई चढ़ा मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको बाहर फेरियों से प्रसाद खरीदना है, ये लगाना है, वो लगाना है। उसके बाद फिर अंदर जाके जब हमने वहां पे चाय प्रसाद दिया और वहां पे गुरु जी के बारे में जब लोगों से पता लगा कि भाई कैसे गुरु जी सबके कष्ट काटते हैं, अपने से लोगों को कैसे जोड़ते हैं वो, तो धीरे धीरे सुनता रहा। फिर हमारे बाई चांस मुझे हमारे ही यहाँ जहाँ मैं द्वारका मोड़ में रहता था, तो वहाँ एक अंकल गुरु जी का सत्संग कराया करते थे हर मंगलवार को, तो मैं उनके वहां गया। वहां मेरे को सत्संग में धीरे धीरे फिर मेरे को वहां सेवा भी मिलनी शुरू हुई। तब कविता आंटी नहीं जुड़ी थी, मैंने कविता आंटी को तब बताया कि ऐसे ऐसे मैं गया था, तब ये नहीं मानती थी कि भी ऐसा कुछ भी होता है। इवन हम दोनों ही ऐसे उसमें रहते थे कि भाई अगर माथा टेकना है तो भगवान के आगे टेकेंगे ना, कोई इंसान रूप में आए हुए इंसान के सामने माथा टेकने का क्या, वो तो सब ऐसे ही है, तो हम मानते ही नहीं थे इन चीजों को। लेकिन जब धीरे धीरे गुरु जी के जीवन के बारे में सुना कि वो महाशिव का रूप है और ऐसे हैं, सब लोगों ने अपने अपने धीरे धीरे सत्संग सुनाने शुरू किए, तो कहीं ना कहीं मेरा विश्वास बैठना शुरू हुआ। क्योंकि जब उसी समय मेरे मतलब धीरे धीरे मेरे को रास्ते मिलने शुरू हुए, नए नए रास्ते मेरे चलने शुरू हुए, जिनमें मैंने कि आगे मेरे को काम करने की एक इच्छा सी पैदा हुई। नहीं तो डिप्रेशन में इतना था कि कहीं घर से निकलने में भी डर लगने लग गया था, बहुत नुकसान हो गया था। फिर गुरु जी ने धीरे धीरे सब रास्तों में लगाया। आज अंकल गुरु जी ने इतनी कृपा करी, सत्संग तो बहुत है लेकिन इतनी कृपा करी कि उन्होंने फिर मुझे ऐसे काम में लगाया कि मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं 18-20 साल का था ना, तब भी मैंने इतनी मेहनत नहीं की जितनी उन्होंने मेरे से, अब आज वो मेरे से करवा रहे हैं। लेकिन शरीर में बिल्कुल भी थकान नहीं महसूस होती, भाग भाग के काम करते हैं, और मेरी टीम के जितने भी मेरे बाकी जो है मेरे साथ कलीग हैं वो सब हैरान होते हैं कि सर आप इतना कैसे कर लेते हो। मैं कहा ये सब गुरु जी की कृपा है, और हमेशा अनसंग रहते हैं इस चीज का मेरे को हमेशा एहसास होता है। एक बार अंकल क्या हुआ कि मैं जब एकदम से मेरे को रूटीन में गुरुजी ने बोला, निमराना का मेरे को काम मिला जो यहाँ से द्वारका से करीब 120 किलोमीटर है, और मैं डेली अप डाउन करता था अंकल, और समय ऐसा था कि मेरे पास व्हीकल भी उस टाइम पे मेरी कार भी नहीं थी, तो मुझे बाइक से डेली अप डाउन करना होता था। तो 1 साल 1.5 साल तो करीब डेली अप डाउन किया है मैंने निमराना से दिल्ली और दिल्ली से निमराना। फिर उसके बाद एक बार मेरे मन में वैसे ही आया कि गुरु जी मैं तो बिल्कुल छूट गया, ना तो अब आपकी सेवा मिलती है, ना मंदिर जाने का समय मिलता है, क्योंकि ये नौकरी आपने ऐसी दिलवाई है, ना तो इसमें कोई छुट्टी है। क्योंकि मेरा सर बिल्डर लाइन का काम है, तो सैटरडे संडे जब सबकी छुट्टी होती है तो हमारा तो छुट्टी का मतलब ही नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग मकान देखने तभी आते हैं, और मंडे टू फ्राइडे हम उनको इनवाइट करने में लगे रहते तो वो समय वैसे ही निकल जाता है। तो मतलब कोई छुट्टी नहीं, शायद 3 साल के समय के अंदर में मैंने 15 से 20 छुट्टियां ही ली होंगी, इससे ज्यादा मेरे को छुट्टियां भी नहीं हुई। तो इसलिए सब लोग आज संकट जितनी मेरे को जानती है वो लोग सब यही कहते हैं कि बंदा जन तो बिल्कुल गायब ही हो गए। तो बस यही था आज मोदी अंकल ने कहा आज आप कहाँ हो, मैंने कहा अंकल आज तो कमाल हो गया, आज तो गुरु जी ने मेरे को स्पेशल ब्लेसिंग दे दी कि जब आपने कविता आंटी को बताया ग्रुप के बारे में कि ऐसे ऐसे सत्संग शेयरिंग का ग्रुप चल रहा है और ये ग्लोबली चलेगा अपना, तो उसमें आप लोगों ने अपना सत्संग शेयर करना है, और कविता आंटी ने जब अपना नाम दिया तो हमें तब पता लग रहा था कि भी अक्टूबर नवंबर तक की डेट मिल रही है, और हम लोगों ने डाला अपना नाम डाला,
और देखो गुरुजी ने बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कहते हैं ना कि मैं कहता था कि गुरुजी आप तो बिल्कुल दूर होते जा रहे हो मेरे से। तो एक दिन मैं वहां रात को किसी ढाबे पे बैठ के खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद अगले दिन मैं यहाँ आया तो हमारे यहाँ द्वारका में नीरज अंकल है, उनके घर सत्संग था। मैं सत्संग पे गया तो नीरज अंकल ने मेरे को बोला, मतलब उनको इवन दिल्ली में कविता को भी नहीं मालूम था कि मैं ऐसे भाई ढाबे पे रात को खाना खाया या कैसे क्या किया है। और अंकल ने बोला, और फिर मजा आया मंजे पे बैठ के रोटी खाती थी है। मैं क्या करूँ, कहने रात बैठा है ऐसी उसके ढाबे पे, हाईवे पे बैठा है ऐसी, फिर ट्रक वाले भी बैठे हुए थे। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि मतलब इनको कैसे पता लगा। तो जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी, एक तो होता है कि मतलब वो आपके साथ जो कर रहे हैं, जो आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स तो आपको खुद को तो फील होती है, लेकिन वो उसके कहीं ना कहीं रिमार्क्स भी ऐसे दे देते हैं कि मतलब पता लग जाता है कि देख मेरे को पता है सब कुछ, और आपको पूरा पक्का विश्वास हो जाता है कि भी वो हमेशा वाकई अनसंग है। तो आज भी ऐसे ही हुआ कि मेरे को जहाँ सैटरडे संडे तो छुट्टी का मतलब ही नहीं है, कल ऐसा माहौल बना कि मेरे बॉस ने खुद ही मुझे कहा कि तू एक काम कर, कल छुट्टी ले लेना, आराम करना, घर पे ही रहना, जबकि उनको भी नहीं मालूम था मेरा बर्थडे है। और डेट भी हमारी जो आई सत्संग शेरिंग की, जैसे हमारे बाद की संगत जो भी थी उनको कहीं ना कहीं इवन हमसे पहले की संगत को सितंबर अक्टूबर नवंबर में डेट मिल रही थी, और कुदरती गुरुजी ने डेट भी 25 सितंबर की थी जब मेरा जन्मदिन होता है। तो मैं इससे ज्यादा क्या ब्लेसिंग मानूं कि उन्होंने अपने साथ हमेशा रखा हुआ है, और विश्वास बढ़ता चला जा रहा है कि इससे ज्यादा और क्या मैं मानूं, कि क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने मेरे को इतना एडमायर किया नहीं, अपने साथ रखा नहीं, तो हमेशा अकेलापन सा फील होता था। लेकिन अब जब से गुरुजी से जुड़ा हूँ हमेशा हर पल एहसास होता है कि वो मेरे साथ है। बाकी एक कविता आंटी का भी सत्संग है, वो आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि बाकी गुरुजी ने, मैं पूरा मानता हूँ कि हमारे परिवार पे गुरुजी का पूरा हाथ है और वो हमेशा हमारे संग है। और बस गुरुजी जैसे भी करो, जितना मर्जी भगाओ, जहां मर्जी दौड़ाओ, पर हमेशा अपना हाथ हमारे सर पे रखना, बस यही आपसे अरदास है। और आपका हर जी का जीवन में हम पे इतनी कृपा बख्शी। सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूंगी कि गुरु जी ने हमें कैसे अपने हमें इतना लायक समझा कि हमें अपने आप से कनेक्ट किया। जैसे मेरे अंकल ने अभी बताया कि हमारी भाभी हमें लेके गई थी, मेरी छोटी देवरानी है वो हमें लेके गई थी, और हम वो अक्टूबर के ही नवरात्रे थे जब हम पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गए थे। अष्टमी का दिन था, अष्टमी सुबह पूज कर हम लोग दोपहर के निकले हुए, एक तो इतना लंबा रास्ता वहां पे पहुंचे थे। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हम हर श्रीनाथ को मानते थे पहले। हर श्रीनाथ की जो दरगाह है चंडेवाला मंदिर के पीछे, मेरी फैमिली, मेरा परिवार जो है हम वहाँ, मैं कोलियों की लड़की हूँ, तो मेरा परिवार उनको मानता था। घर में पहली शादी है, कीर्तन है, कुछ भी शुभ काम है, हमारा पहला कार्ड, पहला इनविटेशन उन गुरुजी महाराज को जाता था। और मैं उनसे मिली भी हुई हूँ, हमने दर्शन किए हुए हैं, मेरे ताया जी, मेरे चाचा जी, इनफैक्ट मेरे पापा भी, वो सभी वहां पे सेवादार थे, कोई किचन में कोई कहाँ पर। और लेकिन हम सभी जाते थे अपनी दादी, पूरे परिवार के साथ जाते थे, लेकिन कभी मेरा मन नहीं ऐसा लगा कि मुझे अपना कोई गुरु बनाना है, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु जरूर बनाना चाहिए। ये बातें अब समझ आ रही हैं, तब सुना करते थे कि उन्होंने कहा कि गुरु जरूर बनाना चाहिए, लेकिन मैं कभी उस मन से नहीं गई कि ये मेरे गुरु हैं। मुझे हमेशा ये लगता था कि कोई इंसान नहीं हो सकता इस लाइफ, अगर उसने मनुष्य जीवन में जन्म ले लिया तो पता नहीं शायद उसके कुछ ऐसे कर्म होंगे कि वो यहाँ काटने आया है जैसे हम काट रहे हैं। बट ये तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपको एक्सपीरियंस आता है, भगवान आपको दिमाग देता है, समझने की शक्ति देता है, तब समझ आता है कि नहीं ये बातें कहाँ तक जाती हैं, कितनी गूढ़ है, कितना गूढ़ आता है इनमें। मैं जाती थी, मुझे ये लगता था कि मैं अगर किसी को नमस्ते भी कर रही हूँ, किसी के आगे अपना सर भी झुका रही हूँ, चाहे वो इंसान ही क्यों नहीं है, वो मुझे आशीर्वाद दे रहा है, मुझे ब्लेसिंग दे रहा है। तो ये सोच के मैं जाती थी, हमेशा वहां गई हूँ, वहां पे भी जाते थे। तो ऐसे ही जब मेरी देवरानी ने मुझे कहा कि भाभी चलो आज वहां चलना है, आप चलोगे, तो हमने, हर भगवान पे विश्वास है, कभी किसी के आगे ना नहीं किया, सबके आगे सर झुकाया, बिकॉज शक्ति होती है, कोई ना कोई जरूर है जो आपको संभाले रखता है। तो हम लोग गए वहां पे, बहुत अच्छा लगा, मंडे का दिन था, अष्टमी का दिन था, वहां जाके जब उस मंदिर में, बड़े मंदिर में हमने जब पैर ही रखा, तभी ऐसे लगा हम किसी और लोक में है, हम है ही नहीं इस दुनिया में।
वहां जाकर जब वो प्रसाद खाया, बड़ी हैरानी से सब कुछ मैं आसपास अपने देखती थी, बिकॉज इतना इतना साफ सुथरा, इतना क्लीन मंदिर, इतनी श्रद्धा भाव के साथ कभी किसी मंदिर को नहीं देखा था मैं। लेकिन वहां जाके देखा तो कुछ और ही था। मतलब पहली बार में ही उन्होंने मेरे को लगा कि शायद मैं बहुत एक सही जगह पे आई, लेकिन फिर भी वैसा विश्वास नहीं आया कि मुझे लग कि मेरे अंदर से वो आवाज नहीं आई कि मुझे यहाँ बार बार आना है, बार बार माथा टेकना है। ठीक है, उस समय गई, प्रसाद खाया, रात को वापिस खत्म। ये अक्टूबर की बात है और धीरे धीरे मेरे अंकल तो जा ही रहे थे, सत्संग में भी जाते थे, वहां सेवा भी करते थे, रात को आते थे वहां सेवा से, ये मुझे हमेशा फोन करते थे। उस समय मैं ऑफिस भी जाती थी, तो आ जा मत्था टेक ले, दर्शन कर ले, तो मेरा एक ही जवाब होता था कि मैं इतनी फ्री नहीं हूँ, क्योंकि घर जाके मतलब हर ऑफिशियल लेडी का काम होता है, घर पहुंचो, रात का खाना बनाओ, बच्चों को देखो, यही सेवा बख्शी हुई है। तो मैं इनको यही जवाब देती थी कि नहीं, मेरे पास ये जो मेरी ये एक जिम्मेदारी घर में है कि मुझे घर जाना है, बच्चों को खाना खिलाना है, उन सबके साथ टाइम स्पेंड करना है, और अगले दिन फिर अपने ऑफिस जाने की तैयारी करनी है, तो बस वही जाना, वो करना है मुझे, पहले पहले मुझे वो जिम्मेदारी करनी। तो मैं कभी गई नहीं, कभी अगर जैसे बहुत जबरदस्ती करने में ये बोलते थे सत्संग में आने की, तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मैं लास्ट में जाऊँ, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता था ना वहां जाके क्या करूंगी क्या सुनूंगी। तो 2-3 बार हमेशा ऐसे हुआ, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, 2015 अक्टूबर में जब हम गए थे पहली बार, उसके बाद आया 2016 जनवरी, 4 जनवरी, मेरा छोटा भाई 32 साल का, उसका हिट एंड रन केस हुआ, रोहिणी में उसका एक्सीडेंट हुआ, सबसे पूरी फैमिली में सबसे छोटा बच्चा हमारा, और जिसकी शादी के लिए हम लड़की देख रहे थे, उसका उस रात को, 4 जनवरी को रात को एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट भी इतना गंदा हुआ कि वो जो उस समय वो गिरा वो दोबारा उठा नहीं। उस समय उसको बचाने के लिए बहुत कोशिशें की गई, वो 9 दिन अस्पताल में रहा, सब कुछ रहा। उस समय पंकज अंकल कंटिन्यू सेवा में जब जाते थे तो बहुत जो संगत हमें बहुत जानने लग गई थी, द्वारका मोड़ पे हमारे सरेंडर हाउस के पास, उन्होंने वहां पे उसके नाम से बहुत अरदास की, हर सत्संग में उसके नाम की अरदास होती थी, मुझे बुला के गुरु जी का जल प्रसाद दिया गया, गुरु जी का लॉकेट दिया गया कि ये जाकर उसको पिलाओ, देखो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज मैं उसको याद करती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आपका टाइम खराब हो तो आपकी बुद्धि कैसे घूमती है, उसका जीता जागता उदाहरण की तरह। बिकॉज मेरा विश्वास नहीं था, मुझे नहीं पता था गुरु जी क्या है क्या नहीं है, बस एक बार मंदिर जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, वो वहीं पे फिनिश हो गया था मेरा, मतलब उसके आगे मेरा और आगे हुआ नहीं, बस सुना करती थी सरेंडर मांगते सरेंडर मांगते, लेकिन कभी ना समझने की कोशिश करी ना कभी इच्छा जागृत हुई कि मुझे कुछ मुझे और इनके करीब होना है, कभी ऐसा नहीं आया। लेकिन जब उसका जल प्रसाद वगैरह सब आया मेरे पास, लेकिन मेरा विश्वास नहीं था, वो हमारी गाड़ी में ही पड़ा रहते, तो उसके पास भी नहीं गया, उसके मुंह भी नहीं लगा, और मैं भूल गई ऐसा कुछ है। लेकिन उसको हमने बचाने की बहुत कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन वो मेरा भाई नहीं बचा। 13 जनवरी 2016 लोहड़ी वाले दिन वो हमें छोड़ के चला गया, और उसका क्या जाना था, पीछे रहने वाले मेरे माँ बाप मर गए। एक जवान बच्चा घर से चला जाए, क्या हालत होती है, अनडिस्क्राइबेबल, वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता। लेकिन हमारे बहुत करीब था, बिकॉज बड़ी बहन उसकी मैं थी, तो मेरे से अभी मेरे अंकल से वो दोनों से बहुत अटैच था, स्पेशली हमारी दो बेटियां हैं, दोनों छोटी हैं, उस समय तो और भी छोटी थी, वो उन दोनों के साथ बहुत जुड़ा हुआ था, जानती उसकी, तो वो समझ में नहीं आया, जो बच्चा हर एक बात हमसे शेयर करता था, सब कुछ बताता था, वो एकदम से कैसे चला गया। मतलब कहते हैं इंसान अपने कर्म भोगता है, जैसे ये बात समझ में आ गई थी, तो उसकी तो लाइफ तब शुरू हुई थी, तो एकदम से ऐसा उसने कौन से ऐसे कर्म किए थे कि भगवान ने उसको ले लिया, नहीं आई समझ में ये बात। माता रानी को आज भी मैं बहुत मानती हूँ, तब भी बहुत मानती थी, मेरे फैमिली वाले बहुत मानते हैं। उस समय रोज रात को बैठ के, उसके जाने के बाद रोज रात को बैठ के प्रार्थना करके सोती थी। एक बार मुझे उसको सपने में दिखा गई, एक बार उसको इतनी चोटें लगी है, भगवान का भी कैसे दिल कर गया वो बच्चा ले जाने का, जो इतना अच्छा बच्चा था कि जिसके पीछे जिसकी मतलब दुनिया तारीफ करते नहीं थक रही,
वो बच्चा कैसे चला गया, बिकॉज बहुत अनएक्सपेक्टेड भी था उसका जाना सबके लिए। जो परिवार में दूर दूर के रिश्तेदार थे वो भी बहुत फील कर रहे थे उसके जाने से। तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी, अपने माँ बाप को देखती थी और धक्का लगता था कि इनके ऐसे कौन से कर्म है कि जो इस उम्र में ये सब देखते हैं। नहीं समझ आती थी, रोज रात को कह के सोना कि प्रभु माता रानी एक बार उसको दिखा दे, वो आके मेरे को तसल्ली दे जाए कि मैं ठीक हूँ। मतलब उसके जाने से इतना धक्का लगा कि शायद मैं भी डिप्रेशन में आ गई कि ऑफिस जाना छोड़ दिया, गाड़ी में के अंदर बैठना छोड़ दिया, गाड़ी ड्राइव करनी छोड़ दी कि शायद मेरे से कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। रोड पे निकलना तो ऐसे लगता था कि हर बाइक हर स्कूटर पे वो ही जा रहा है और उसको टक्कर लग जाएगी और वो गिर जाएगा। बार बार यही पीड़ा, नहीं संभल पाए। हर जगह से मंदिर उस पे कहीं से भी कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं आया, मैं किसी के पास जाके माता रानी को ये बात दूंगी, कहीं जाने का मन नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। बट कहते हैं ना जिंदगी तो चलती रहती है, द शो मस्ट गो ऑन, सेम ईयर ऐसे ही था भाई, बच्चे भी पालने हैं सब करना है तो करना पड़ेगा, जिंदगी तो चलनी पड़ेगी। धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश करते रहे। फिर आई गुरु पूर्णिमा, सेकेंड टाइम जब मुझे मेरे अंकल ने बोला कि बड़े मंदिर चलना, अक्टूबर में फर्स्ट टाइम गए थे 2015 और फिर गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग सेकेंड टाइम गए। मन नहीं था जाने का, क्योंकि कहते हैं ना इंसान लालची होता है, जिस दर से कुछ ना मिले वहां से मन चाट हो जाता है। हम मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन परिवार के सभी लोग जा रहे थे, मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ, हम सब गए। और वहां पहुंचे मैं नॉर्मल जैसे बड़े अनमने ढंग से गई थी, मैं आज बिल्कुल ये हर बार सरेंडर करती हूँ, ये बात हर बार मानती हूँ कि बिल्कुल मन नहीं था उस दिन बड़े मंदिर जाने का। कुछ कुछ नहीं मिलता, किसी से कुछ नहीं मिलता, उसने जब जो सोचा होता है, जो लेना होता है वो ले लेता है। तो फिर अब बार बार ऐसे हर जगह जाके माथा टेकने का क्या मतलब है। बिल्कुल मन नहीं था जाने का, पूरी इतनी भीड़ थी मंदिर में। पहली बार किसी बड़े फंक्शन पे हम बड़े मंदिर गए थे, बहुत भीड़ थी, बड़े मतलब फिर भी दर्शन बहुत अच्छे हुए। हम लोग सभी दर्शन करके गाड़ी में आके अपनी बैठ गए, और पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि सबको गाड़ी में बैठा कर मैंने उनको बोला, अपने अंकल को और मम्मी वगैरह को अपनी, कि आप लोग बैठो मैं अभी आपके दो मिनट। मैं वापस बड़े मंदिर के मेन डोर के ऊपर जाके खड़ी हूँ, लोग अपना दर्शन कर रहे हैं, लाइन चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। मैं कॉर्नर में कोने में खड़ी हूँ जहाँ से लोगों को अंदर की लाइन वगैरह भी कोई परेशान ना हो और कोई सेवादार भी मुझे ना टोके कि आप यहाँ क्यों खड़े। मैं खड़ी हूँ और सत्संग में जैसे मतलब बातें सुनती थी, सब मुझे समझाते थे कि ये नहीं कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब कुछ ठीक है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, समझ नहीं आ रही थी। मैंने ऊपर शिवलिंग को देखा और मैंने वहीं खड़े खड़े जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, और गुरु जी के आगे बहुत जोर जोर से रोई और बोलती जा रही थी, क्या चाहिए तुझे, सरेंडर। सरेंडर क्या होता है, सब कुछ तो ले लिया तुमने, मेरे माँ बाप को भी मार दिया, एक बच्चा नहीं लिया तूने इस घर का, तूने तो पता नहीं कितने लोगों को मार दिया, और तू ऐसे उठा के उसको ले गया कि बिल्कुल जैसे हाथ से कोई मक्खन की तरह कोई निकल जाता। समझ नहीं आया कि उसको पकड़े कैसे, उसको बचाए कैसे, तो क्या चाहिए तुझे, उसके पैर में चोट लगी थी कैसे ले गया तू उसे, उसको उठाया कैसे, उसके तो पैर में चोट लगी थी, उसके सर में चोट लगी थी, उसको तो बेहोश था कैसे ले गया, क्या तुम्हारा मन भी नहीं पसीजा, कैसा भगवान है। बहुत लड़ी गुरु जी के साथ, रोती जा रही और रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी, और एक ही बात बोल रही थी, सरेंडर सरेंडर सरेंडर, क्या होता है सरेंडर, अगर ये सरेंडर है ठीक है, सबका दर छोड़ दिया, इस दर पे आके माथा टेक लिया, मेरे को एक बार कुछ नहीं चाहिए इस दर से, मुझे बस एक बार उससे मिलवा, जो तुमने हमसे छीना है वो एक बार आके तसल्ली ले जाए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे पता चलेगा, उससे कैसे बात करूंगी, अब एक आवाज देती थी वो आ जाता था, अब तो वो कहीं भी नहीं आ रहा तो कैसे पता चलेगा, तसल्ली नहीं है, एक बार मिलवाते उससे। खुद ही चुप हुई वहां पे, जो एक अंकल एक सेवादार खड़े थे उन्होंने मुझे पानी पिलाया, आराम से बिठाया वहां पे, नहीं आती कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, और मैं बोलती जा रही हूँ नहीं कुछ ठीक नहीं होगा, पता नहीं कैसे ठीक होगा, क्या होगा सरेंडर, क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सब ब्लैक है आगे क्या होगा। उसके बाद अंदर चुप करके मैं वहां से संगत जी मैं आके अपनी गाड़ी में बैठी, किसी को कुछ नहीं पता मेरे परिवार में कि मैं कहाँ गई थी, क्या बोल गया है, किससे लड़ गए, कुछ नहीं। हम रात को घर आ गए और उसी दिन रात को गुरु जी ने मुझे, मेरे भाई का नाम राहुल था,
उस राहुल को मेरे सपने में भेजा, जो इतने सालों से जिन जिनको मान रहे थे, हर भगवान के आगे माथा टेक रहे थे, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे लगता था ये भी नहीं सुनेंगे। लेकिन उस दिन रात को राहुल मेरे सपने में आया और संगत जी ने जो जो क्वेश्चन वहां उनको जो जो लड़ते हुए उनको बोलकर आई थी, वो इतनी दूर से मेरे सामने से चलता हुआ आ रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक। और वो जो जिस कपड़ों में वो लास्ट मुझे मिला था, वो उन्हीं कपड़ों में सामने से आ रहा है और दूर से मुझे वही आंसर देता हुआ आ रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी टांग में चोट नहीं है, देख मैं चल रहा हूँ तेरे आगे, मैं बेहोश भी नहीं हूँ, देख मैं तेरे से बातें कर रहा हूँ। और आगे गुरु संगत जी उसने मुझे इतनी जोर से मेरे पास आते आते मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर देते देते मुझे इतनी जोर से उसने गले लगाया कि आज भी मैं वो सत्संग अगर किसी के साथ मतलब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो मुझे फील होता है उसकी वाम उसका मेरा भाई का मुझे गले लगाना, मुझे एहसास आता है कि वो मेरे पास है। उसने मुझे एक बात की, मुझे रोते हुए कभी याद नहीं करना, दूसरा तुम लोग जहाँ के लिए तरसते हो मैं तो वहां हूँ, तुम लोग जहाँ के लिए तरसते हो, इतने पूजा पाठ करते हो, मैं तो वहां पहुंच रहा हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम किस लिए रोते हो, क्यों मुझे याद कर रहे हो, मत करो मुझे याद, और रोते हुए तो बिल्कुल मत करना, मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी उसने उस सपने में मेरे साथ कम से कम बहुत देर मतलब मेरे साथ ऐसे टाइम स्पेंड किया, मुझे इतना उसने तसल्ली दी कि मुझे ऐसे लगा मैं सच में अपने भाई से मिलूं। और मैं एकदम से उठ के बैठ गई, जब उस समय सुबह के 5 बज रहे थे, 4:45-5 बजे का टाइम था, और मुझे सच में ऐसे लगा कि मैं अपने भाई के साथ मतलब एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आई हूँ, जो मैं मांग रही थी अपने मालिक से कि मुझे वो दे दे, वो तसल्ली दे दे, मुझे वो तसल्ली मिल गई। उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, 6 साल हो रहे हैं, मुझे कभी भी ये एक बार भी ख्याल नहीं आया वो कहाँ है, वो वहां है जहाँ के लिए हम तरसते हैं। उसने आके मुझे ऐसी तसल्ली दी, मेरे गुरु महाराज ने मुझे ऐसी तसल्ली दिखा दी कि आप मन ही नहीं करता कि वो एक बार भी नहीं आता मन में कि वो क्यों चला गया, कहाँ चला गया, वो वहां है जहाँ के लिए हम जाना चाहते हैं, जहाँ के लिए हम तरसते हैं, वो तो वहां पहुंच गया। सच में ये बात है कि जो अच्छी अच्छी सोल्स होती हैं, प्योर सोल्स होती हैं, वो तो सीधा भगवान के पास जाती है। ये बात मैंने महसूस की, मुझे मेरे गुरु महाराज ने वो दिया, तो मुझे इस दर से वो मिला है जिस जो मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती, जो मैं कभी भी भूल नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। आज मेरे लिए मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा पिता, मायका, मेरे गुरु जी, मैं बड़े बहुत अकड़ के कहती हूँ सबकी दुनिया खत्म हो जाएगी, मेरा मायका, मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मेरा मायका कभी खत्म नहीं होगा, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सब हमेशा जिंदा रहेंगे और सब मुझे हमेशा ब्लेसिंग देते रहेंगे, बिकॉज वो मेरा मायका, मेरे गुरु जी। अगले सत्संग में मैं जब वहां गई उसके घर, मतलब इसके बाद नेक्स्ट सत्संग जो मैंने पहला अटेंड किया, जहाँ मेरे अंकल जाते थे, पहली बार मैं वहां टाइम पे पहुंची और जब मैं दरबार में बैठी संगत जी, मुझे उस स्वरूप में मुझे सामने मेरा भाई नजर आया, वो गुरु जी की साइड पे की गुरु जी गद्दी पे बैठी है और वो उनके साथ गुरु जी ने उसको अपने जो गद्दी है उसकी हत्थी को उसको अपने साथ बिठा रखा है और मुझे हंसते हुए दिखा रहे हैं, देख देख ऐते अच्छे है, ऐते अच्छे है, तू कितने टूटी पई है। गुरु महाराज ने मुझे वो चीज बख्शी है जिसके लिए मैं इतना तरसी हूँ, तो मेरे लिए इतने प्रीशियस है, इतने प्रीशियस है कि शायद मैं इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे भाई, मेरे पापा, सब कुछ है, मुझे कुछ भी होता है, कोई भी बात करनी होती है मैं गुस्सा होके भी करती हूँ, लड़के भी करती हूँ, प्यार से भी करती हूँ, दोस्तों की तरह भी करती हूँ, सब तरीके से उनसे बात करती हूँ। मेरे लिए मेरी सारी दुनिया, अब मुझे ना किसी की कमी महसूस होती है ना कुछ होता है, राखी बांधती हूँ, इनसे पापा की तरह बातें भी करती हूँ, बेटी की तरह, तो मेरे लिए ये सब कुछ है, बहुत प्रीशियस है मेरे लिए मेरे गुरु जी। और ये उसके बाद से वो दिन है और आज का दिन है, मुझे कभी भी इन्होंने ऐसे कभी फील नहीं होने दिया कि तुम अकेले हो, कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि तुम कहीं ढीले पड़ रहे हो, कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि
तुम्हारे पास कोई नहीं है, हमेशा ऐसे लगता है कि हमारे अंग संग है, हमारे पास में है, हमेशा हमें देख रहे हैं। हर स्वरूप हमसे बातें करता है, हर स्वरूप हमें कुछ ना कुछ समझाता है, प्यार देता है, हर जगह से बहुत बहुत प्यार मिलता है उसे। आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस। आंटी की बातें सुनते सुनते कुछ बातें और याद आ रही थी। जब गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा हमें, फिर सेवा मिलनी शुरू हुई। मैं गुरु जी से कहता था, गुरु जी द्वारका में क्या एक संगत नहीं है, सिर्फ द्वारका मोड़ तक ही रखोगे। फिर इन्होंने हमें द्वारका की संगत से जुड़वाया। आज द्वारका में रह रहे हैं, द्वारका की संगत आज शायद हमें जानती भी है। उन लोगों के पास हम जाते हैं तो सेवा करने का मौका भी मिलता है। और ऐसा मतलब कि जैसे हम दोनों को ना एक हमेशा से एहसास होता था कि हमारे पास अपना परिवार नहीं है, हमारे पास परिवार से हम दूर हो गए। हम दोनों तो एक साथ हैं लेकिन हम शायद परिवार से दूर हो गए। ना तो कविता का परिवार, ना मेरा परिवार। हमें जब भी कभी फील होता था कि यार इस समय में अगर परिवार होता तो हम कैसे करते, तो वो जो कमी महसूस होती थी ना, वो गुरु जी ने अपने आशीर्वाद से, अपनी ब्लेसिंग से पूरी करी। और अपने ही गुरु संगत के अंदर में कोई पिता के रूप में, कोई माँ के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई भाभी के रूप में, भैया के रूप में, हर हर रिश्ता दिया। इवन हर छोटी छोटी खुशी के अंदर में गुरु जी ने अपना एहसास दिलाया कि कभी भी अपने आप को अकेला मत समझता, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। और जब भी मतलब कुछ सोचता था कि भाई गुरु जी कैसे होगा, तो कहते थे कि नहीं सब कुछ होगा। कोई ना कोई आ जाता था। एक गुरु संगत ने मेरे को बोला था कि अगर आप गुरु जी के साथ जुड़े हो, और जैसे कि अब कविता आंटी और का सरेंडर हो चुका है पूरा, जैसे ये कहती थी सरेंडर क्या होता है मुझे समझ नहीं आता। आज की डेट में कविता आंटी गुरु जी से ऐसे जुड़ी हुई है कि इनको कहीं गुरु संगत से अगर बुलावा आ जाए तो ये तो हमें तो आज ये सरेंडर्ड है पूरी तरह से। और जब मुझे भी जब भी लगता था तो गुरु जी कोई ना कोई संगत के थ्रू मुझे इशारा देते हैं कि तेरा रास्ता ये है। अंकल मैं बिल्कुल मतलब इस चीज को आप आज ये मानो कि मैं गुरु संगत के काफी सारे ग्रुप्स के अंदर में भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन एक चीज है कि मैं सारे ग्रुप हमेशा नहीं पढ़ता। कभी कभार लगता है कि नहीं, कविता आंटी मुझे कहती भी है कि आप सारे ग्रुपों में जुड़े हुए हो, तो इतने सारे ग्रुपों में जुड़ने के बाद फिर उनके मैसेजेस पढ़ते नहीं है, वो तो अच्छी बात नहीं है, आप इनको छोड़ दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं छोड़ता नहीं, क्योंकि ये जो मेरे पास गुरु जी का मैसेज है। और अंकल सच में मैंने इस चीज का पर्सनली एहसास किया है कि जब भी मेरे मन में कोई सवाल होता है या मैं कहीं मुझे दुविधा होती है मेरे मन में कि अब क्या करूं कैसे करूं, उसके अगले दिन जब मैं गुरु जी से रात को उनके स्वरूप से बैठ के बात करके, और अगले दिन जब मैं उठ के फोन उठाता हूँ और फोन उठाते के साथ सबसे पहला मेरा जो मैसेज होता है वो मेरा जवाब होता है यार तुम्हें ऐसा ही करना है। और मैं वही दिन से बस उसी मैसेज को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अपना आगे दिन की कार्यवाही करता हूँ। तो जिसकी वजह से आज हर परेशानी से दूर रखा हुआ है गुरु जी ने। धीरे धीरे गुरु जी के हमारे घर में आज उन्होंने कार्यों का अपना कमरा है, वो बैठती है वहां पे, हमें एहसास होता है जब भी मन होता है हम यहाँ आके बैठते हैं और बैठ के गुरु जी से बातें करते हैं और फिर ये हमें आगे रास्ता बताते हैं। परिवार वाली बात बताऊँ तो एक समय ऐसा आ गया था कि हम दोनों के अंदर में मतलब इतनी डिस्टर्बेंसेस आ गई कि हम लोग कैसे करें क्या करें। तो गुरु संगत ने अपने पूरी सत्संग के अंदर हम लोगों का दोबारा से इस तरह से हमारी एनिवर्सरी मनाई और दोबारा से शादी कराई और फिर सबने हमें ब्लेसिंग दी। उस दिन के बाद से आज वो दिन भी एक यादगार दिन बन चुका है। सब लोग बहुत याद करते हैं कि अंकल आंटी की कैसे शादी हुई, कैसे उन लोगों ने ब्लेसिंग दी। तो मतलब जितनी भी संगत हमारे हमें मिली द्वारका में, वो सब ऐसा जैसे बिल्कुल वो हमारे परिवार के लोग, उनके हर घर के फंक्शन में, हर घर के ओकेजन में वो लोग हमें याद करते हैं, हम लोग भी उनको याद करते हैं। तो वो परिवार वाली भी कभी तक दूर कर दी। फिर काम धंधे में जब मैं मुझे लगा कि नहीं अब तो कुछ भी करना होगा, कि दोनों बेटियां हैं आगे जिम्मेदारी पूरी करनी है तो कैसे होगा, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैं कुछ ऐसे ग्रुप्स के साथ भी जुड़ गया जहां पर शायद मुझे नहीं जाना चाहिए था। तो ये एक मेरा एक बहुत ऐसा सत्संग है अंकल कि मैं उन लोगों के साथ में मतलब वो जैसे वो मेरे को कहते और काम करते 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 वो जैसे भी होता था। एक बार को मन में होता था कि नहीं यार तुम्हारे मन में
मतलब ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो किसी को दूसरे को तकलीफ दे, लेकिन फिर ये लगता था नहीं गुरु जी पैसे भी तो चाहिए, घर कैसे चलाऊंगा, तो गाड़ी वाड़ी सब कुछ हाथ से जा चुकी, तो समझ में नहीं आता था कि आगे खर्चे कैसे पूरे कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी गुरु जी ने ऐसा ही किया कि एक गुरु संगत के मुझे किसी और से मिलवाया, वहां पे मुझे ऐसा काम दिलवाया जहाँ पे मुझे मन में भी संतुष्टि रहे और तरक्की भी मिले, उन सब परेशानियों से भी दूर निकाला। फिर उसके बाद में जब भी मेरा जैसे कोई भी ओकेजन आता था, अभी 3 साल पहले मेरे जब बर्थडे पे गुरु जी से मैंने एक अरदास की थी कि गुरु जी लगता है मेरा समय खराब चल रहा है, इसीलिए मैं तो जहाँ पे भी जाता हूँ मेरा काम नहीं चलता है, मेरा को नुकसान ही होता है, मुझे लगता है कि मेरा समय खराब चल रहा है। तो जिस दिन आपको लगे ना कि मेरा समय ठीक आने वाला है, उस दिन मुझे एक इशारा दे देना। तो अंकल मेरे को घड़ी पहनने का बहुत शौक था, मैंने घड़ी पहननी छोड़ दी कि भाई अब गुरु जी जिस दिन मेरा समय ठीक करेंगे घड़ी तो तभी पहनूंगा। तो फिर 3 साल पहले मेरे जन्मदिन पे ही 25 सितंबर को ही मैं ऑफिस से वापिस आया, घर आया, तो कविता आंटी ने मेरे को बोला कि अंकल आप ना एक हमारे यहाँ गुरु संगत है बब्बर अंकल, तो आज सुबह से बब्बर अंकल के 3 4 फोन आ चुके हैं और वो पता नहीं क्यों आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप सबसे पहले तो उससे बात करें। अंकल करीब करीब 10 बजे का टाइम था रात का, तो मैंने बब्बर अंकल को फोन किया, मैंने कहा अंकल आज मेरी बड़ी याद आ रही है। कहता हाँ यार पता नहीं सवेरे का ना जब भी कुछ सोचना आना तो तेरा चेहरा बार बार सामने आ रहा है, आज ना मेरे को कुछ ब्लेसिंग आई है तो मन कर रहा है तेन कुछ देने का। मैंने कहा अंकल ये तो बहुत चंगी गल है, मैं कल फिर बोलो फिर कदों मिल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कल मिलते हैं फिर, मैं अंकल एक बात बोलूं अगर आपको बुरा ना लगे तो। बोले क्या? मैं अंकल आज मेरा जन्मदिन है और अगर मेरे लिए कोई ब्लेसिंग आपके पास आई है तो अगर आज का दिन मिल जाए तो मेरे तो मतलब इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। बोले फिर उधर की कर रहे हैं जल्दी तोड़ के आ जा। फिर मैं कविता आंटी को लेके और सीधा करीब 10:30 बजे रात को उनके घर पे पहुंचा, और घर पहुंचा तो ये जो सत्संग था घड़ी वाला, ये मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया था, कि कविता आंटी से भी नहीं कहा था, ये सिर्फ मेरी और गुरु जी की बात थी कि समय जब ठीक हो जाए तो आप देख लेना। और उस दिन जब बब्बर अंकल के घर गए तो मुझे गुरु जी के स्वरूप वाली घड़ी मिली, गोल्डन वॉच मिली मेरे को वहां पे, तो उनका आज गुरु जी ने कहा कि ऐसे दे। तो उसके बाद से सच में संगत जी, तो बस फिर मैंने अभी तक तो खैर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं हुई, और आज मैं सिर्फ ये कहता हूँ गुरु जी बच्चे भी आपके, परिवार भी आपका, मैं भी आपका, जो करवाना है करवाओ, बाकी तो हमें पता है कि हम अब बिल्कुल सेफ है। तो शुक्राना है हर पल गुरु जी का और गुरु जी की प्यारी संगत का, जो समय समय पर हमें गुरु जी के मैसेजेस किसी भी रूप में आके देती है और हमें आगे का रास्ता प्रशस्त करती है। और मैं बिल्कुल बेस्ट मानता हूँ अपने परिवार को कि हमें हर पल गुरु जी का एहसास होता है, और गुरु जी है, महाशिव है, और वो कहते थे कि जब वो संगत के अपने चोले में थे तो अपनी समय की संगत को कहते थे कि आज तुम्हें मेरे दर्शन मिल रहे हैं तो तुम्हें उस चीज का एहसास मिलेगा कि तुम आज किसके पास बैठे। लेकिन फिर जब मैं चला जाऊंगा, जब चोला छोड़ के उस समय जब मुझे तारों में ढूंढोगे तब भी मेरा स्वरूप याद आएगा, और मेरी ये जो सत्संग के थ्रू ही तुम मुझे याद करोगे। तो आज वही सब है कि अच्छा लगता है, गुरु जी का शुक्राना हर पल होता रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जी का शुक्राना होता है, गुरु जी की महिमा गान होती है, तो और भी जो लोग भटके हुए हैं उन्हें भी आगे जिंदगी में सत से जुड़ने का मौका मिलता है, महाशिव से जुड़ने का मौका मिलता है। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना है आप सब लोगों का कि आपने हमें अपना अपना सत्संग शेयर करने के लिए मौका दिया, और अगर गुरु जी की आज्ञा रही तो आगे भी हम लोग अपने सत्संग आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। जय गुरु जी। महाराज बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पंकज अंकल का याद आ रहा है। पहले पंकज अंकल आपको बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, गुरु परिवार की तरफ से, सत्संगत की तरफ से। मुझे आज आपने सवेरे जिक्र नहीं किया, मुझे नहीं पता था। और आज ट्वेंटी शुक्राना फाइव 25 मतलब 2 + 5 = 7, आज मतलब गुरु जी का दिन में गुरु जी ने आपको जन्म दिया है अपने लकी दिन दिन पर।
इसके लिए भी शुक्राना अंकल। मुझे जब आप मिले, मुझे पंकज अंकल से बहुत प्यार रहा है शुरू से ही, जब ये मिले। और इनके डाउट्स बहुत थे। डाउट्स क्यों थे? इनके काम नहीं बन रहे थे, इन्हें कोई सर्विस नहीं मिल रही थी, इनको बहुत पैसे की दिक्कत भी थी, सब चीजों की दिक्कतें बहुत थी। और ये आते गुरु जी के पास जरूर थे, लेकिन ये जुड़ नहीं पा रहे थे किसी तरह भी। और मुझे पता नहीं इनसे दिल, क्योंकि आत्मा बड़ी पवित्र है ये, तो मेरे मन में गुरु जी ने बहुत सत्संग सुनवाए इनको मेरे थ्रू, ताकि इनका विश्वास पूर्ण रूप से गुरु जी से जुड़ जाएंगे। और बाद में ये इतने अच्छे तरह जुड़ गए जिसकी हद नहीं। ये इनकी लड़कियां भी बड़ी टैलेंटेड हैं, कविता आंटी भी बड़ी टैलेंटेड हैं। और ये कविता आंटी ने मुझसे जिक्र किया इनके भाई वाला सत्संग, इन्होंने रेणू जी हैं द्वारका में, जब ये आई थी, जब ये सत्संग सुनाया था उन्होंने। और अब सुनाने से पहले थोड़े दिन पहले पूछ रही थी ये सत्संग मैं सुना सकती हूँ नहीं सुना सकती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सुनाइए, इनके सत्संग तो और भी हैं अंकल, बहुत सारे सत्संग हैं, पता नहीं कविता जी क्यों नहीं सुना रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कविता जी बढ़ाइए, बिल्कुल बढ़ाइए मत, बिल्कुल भी। आप तो अभी कह रही है घंटा फालतू टाइम चाहिए, कम से कम टाइम पूरा कीजिएगा, बहुत सत्संग है आपके। एकदम से इन्होंने शुक्राना दिया ना, तो मेरे अंदर यही चल रहा था, अरे ये तो बहुत सारी बातें गुरु जी की रह गई, अभी मेरा तो नंबर ही नहीं आया। तो गुरु जी कमा रहे हैं, आप बोलिए, अभी आप बोलिए, आप आंटी बोलिए, कविता जी बोलिए, आपके आपसे कई संगत को जवाब मिलने हैं, और आपका विश्वास को बंधन है। और पंकज जी को आज एक रसगुल्ला खिलवा देना हमारी तरफ से, पुलिस परिवार की तरफ से, सब संगत की तरफ से। मैं इनका मुंह मीठा तो रात को भी करवाया है, अभी फिर करवाऊंगी गुरुजी के सामने इनका मुंह मीठा। सच में गुरुजी ने इतना ब्लेस परिवार दे रखा है, इतना ब्लेस बच्चे दे रखे हैं कि अब तो जितना हम शुक्राना करें उतना कम है। हर उस चीज के लिए जो उस मालिक ने हमें बख्शी है, जो हमारे लिए नहीं था अच्छा वो हमें नहीं मिला, ये तो फिर बाद में पता चलता है कि जो नहीं हुआ, जो पहले हम पछताते थे, अब तो आता ही नहीं, अब तो सीधी ये बात आती है दिमाग में, नहीं गुरुजी ने हमारे लिए बहुत अच्छा कुछ और सोच रखा है, तभी नहीं मिला वो हमें। तो अब तो कोई मतलब किसी चीज के लिए होता ना, कुछ कुछ अगर कोई चोट भी छोटा सा कुछ लग जाता है तो सीधा ये आता है दिमाग में, नहीं हमने तो 10% ही झेला, बाकी तो गुरु महाराज बैठे हैं वो झेलते हैं। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगी जो गुरु जी ने लाइफ कहते हैं, गुरु जी सबसे पहले लाइफ बख्शते हैं। गुरु जी ने लाइफ कैसे बख्शी, 2017 का न्यू ईयर मना रहे थे हम, यहाँ गुरु संगत ही है हमारी, कुमार अंकल आंटी जो शायद अभी इस समय ग्रुप में भी है, बहुत बहुत शुक्राना कुमार अंकल आंटी का। न्यू ईयर की सेलिब्रेशन इनके घर में मनाई जा रही थी, चाय प्रसाद का भोग लग गया था, उसके बाद सभी संगत में वो गुरु जी का प्रसाद जब बटा, तो गुरु जी ने इतनी सेवा बख्शी हुई है कि वो जब भी सेवा देते हैं तो या दरबार की देते हैं मुझे, या फिर सीधा किचन में, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ऐसे कभी नहीं लगता कि जैसे मैं कहीं सेवा के लिए जा रही हूँ, मुझे हमेशा यही लगता है, मुझे तो हमेशा राहुल मेरा भाई नजर आता है, मुझे हमेशा यही लगता है मैं तो उसके घर जाके काम कर रही हूँ, मैं तो उसके लिए खाना बना रही हूँ, मैं तो उसके लिए कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मैं किसी संगत के घर में हूँ। उनके वहां पे चाय प्रसाद का भोग लगा, सब संगत को खिला दिया, बाद में वहां शशि आंटी थी हमारी गुरु संगत परिवार की, बड़ी प्यारी सी आंटी है और वो भी द्वारका की है, उन्होंने मुझे आदेश दिया कविता आंटी अब आप बैठ जाओ प्रसाद को, अब आपकी बारी है, आप प्रसाद ग्रहण करो, उसके बाद आप किचन में आना, फिर हम बैठ जाएंगे प्रसाद लेने के लिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक आंटी। मैं उनसे प्रसाद मैं बैठी दरबार के पास जाके और मेरे आंखें बंद हो गई और प्रसाद उन्होंने लाके मुझे दिया। अभी मैंने प्रसाद को चखा भी नहीं था, मेरी आंखें बिल्कुल बंद थी, मुझे लग रहा था मैं गुरु जी के साथ अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन बना रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, बहुत अच्छा सा मतलब मेरे को गुरु जी ने बंद आंखों में वो दिखाया कि कितना अच्छा दरबार सजा हुआ है और सभी बहुत खुश है, वहां पे गुरु जी साक्षात रूप में बैठे हुए हैं और मैं वहां पे खड़ी हूँ, लेकिन मुझे एकदम से ब्लड वॉमिटिंग होती है और मैं वहीं गिर जाती हूँ। मुझे सच में बिल्कुल नहीं लगा कि मैं आंख बंद करके बैठी हूँ, मुझे ऐसे लगा सच में उन संगत के घर में जो जिस सत्संग में मैं बैठी हुई प्रसाद ग्रहण करने लगी थी वहां मैं गिर गई हूँ वॉमिट करते ही। और लेकिन सब कुछ वैसा ही चल रहा है, कोई हबड़ दबड़ नहीं मची वहां पे, सिर्फ मेरे अंकल मुझे वैसे देख के घबरा गए और मेरे पास भाग कर आते और कहते हैं कविता खड़ी हो हॉस्पिटल चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन मेरी नजर गुरु जी पे ही है बिकॉज वो साक्षात वहां विराजमान है और मैं उनको देखी जा रही हूँ कि नहीं, जैसे मैंने जिद पकड़ ली मुझे ये उठाएंगे तब मैं उठूंगी, नहीं तो मैं नहीं उठूंगी, कोई बात नहीं अगर इन्होंने
नहीं, मेरे को अभी अपने पास बुलाना है तो मैं अभी चलूंगी। इसमें भी वाकई बहुत कुछ अच्छा है, जो इतने इतने साल लग जाते हैं सेवा करने के बाद भगवान अपने पास बुलाते हैं, अगर वो हमें अभी बुला रहे हैं तो मैं अभी जाऊंगी। मुझे कोई वो नहीं, एक बार भी दिमाग में नहीं आया बच्चे छोटे हैं कि नहीं मेरे बच्चे तो है ही नहीं, मेरा परिवार तो है ही नहीं, अब तो ये सब कुछ इनका है, यही देखेंगे, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों टेंशन में। मेरे को मेरे अंकल हिला रहे हैं जोर जोर से, हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, उठ कविता उठ हॉस्पिटल चलते हैं, क्यों ये ब्लड की वॉमिट, चल उठ उठ उठ। और मैंने बोल दिया नहीं यही उठाएंगे मुझे, मैंने उनसे अपना हाथ छुड़वाया और मैं लेती रही। गुरु जी मुझे देखते जा रहे हैं और हंस रहे हैं, और मैं भी उनको देखती जा रही हूँ, लेकिन मेरे फेस पे स्माइल नहीं थी, और मेरे अंदर ही अंदर क्वेश्चन चल रहे हैं, नहीं आप ही उठाओगे तभी उठूंगी, आप ही उठाओगे तभी उठूंगी, किसी से नहीं उठूंगी, सब कुछ वैसा चल रहा है। लेकिन अपने आप को उस हालत में देख के इंसान डर गई, एकदम से डर से मैंने आंखें खोल दी कि ये मैंने क्या देखा, नहीं समझ पाई। तब आंख खोलने के बाद वापस जब अपने उसमें आई, तब अपने आप को पूछा, कविता कैसे सोच लिया तूने ये सब, बच्चे कौन पालेगा, दरबार में बैठे बैठे ये ख्याल आ रहा है। लेकिन वो तब मेरी आंखें भी भरा है कि गुरु जी क्या दिखाया आपने, लेकिन जो दिखाया अब तो आपने ही देखना है सब कुछ, मुझे नहीं पता क्या दिखाया आपने, कुछ भी किसी से कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोली, प्रसाद ग्रहण किया, वापस अपनी सेवा में जुट गई, सत्संग खत्म हुआ, न्यू ईयर चढ़ गया। 3 दिन 4 दिन के बाद जिन बब्बर अंकल ने पंकज अंकल को ब्लेसिंग दी थी उनके घर में सत्संग। लेकिन तब से मेरे दिमाग में उस दिन से यही चल रहा है कि नए साल में गुरु जी ने ऐसा क्यों दिखाया, क्योंकि भाई भी नए साल की शुरुआत में ही गया था, ये सुन खबर आई थी उसकी, तब से डर में भी गई, इंसान हूँ क्या करूँ, डर गई। लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि अपने अंकल से भी नहीं कहा। उसके बाद बब्बर अंकल के घर में सत्संग, वहां पहुंचे और बब्बर अंकल ने सबसे पहले यही बोला, वो कविता आंटी और पंकज अंकल लगाई। मैं समझ गई आज मुझे आंसर मिलेगा, वैसे तो देंगे नहीं, बिकॉज वैसे तो ये एक टांग पे खड़े रखने की मेरे को आज्ञा है कि यहाँ पे सेवा करो, बैठने की जरूरत नहीं है, कभी आराम से बैठ के सत्संग नहीं बुक किया, बहुत कम ऐसे चांस होते हैं, नहीं तो ऑलवेज ऐसा होता है कि सीधा किचन में या सीधा दरबार के कोने में कोई ना कोई सेवा आ जाती है। कभी ऐसा मन नहीं किया कि मैं आराम से बैठ के सत्संग सुनूं, शब्द वाणी सुनूं, हमेशा ऐसे लगता था सेवा कर रहे हैं यही बहुत बड़ा सत्संग है, इस मालिक ने हमें ये इस लायक समझा, इन्होंने हमें गुरु महाराज ने, कि उन्होंने इस लायक समझा कि वो खड़ा किया हुआ है कि तुम ये सेवा करो, हमारे कर्म काट रहे हैं वो। बिल्कुल जब अंकल ने ऐसे बोला मैं बहुत खुश हुई कि अब मैं बैठ के 2 मिनट गुरु जी से बातें करूंगी। जब मैं भूख लेके वहां गई, जैसे ही आंखें बंद की एकदम से सीन विजिबल हुआ, वही वाला सीन जहां मैं लेटी हुई थी, वही खून की वॉमिट मेरे पास ही पड़ी हुई है, मैं गिरी पड़ी हूँ, पंकज अंकल मुझे उठा रहे हैं, सेम वही चोला वही दरबार सब कुछ वही था। एकदम से गुरु जी उठते हैं, आते हैं मेरे पास, मेरा हाथ पकड़ के खींच के मुझे कहते हैं चल तुम खड़ी हो जा। एक सेकेंड नहीं लगा संगत जी, मैं बिल्कुल उठ के खड़ी हो गई, जैसे कि कुछ हुआ ही। मुझे 4 दिन 5 दिन जो सोचने में लगा वो शायद मेरा 10% था जो मैंने काटा। गुरु जी ने ऐसे मुझे फूलों की तरह उठाया कि एक बार भी नहीं ऐसे लगा, और जैसे ही गुरु जी ने मुझे उठाया बहुत स्माइल फेस, मैं कभी नहीं भूलती, इतना सुंदर चेहरा उनका, वो जैसे आके मैं इसी यही सोच सोच के खुश होती थी कि वो हाथ, उन्होंने अपना हाथ मुझे मेरी तरफ बढ़ाया और मैंने वो हाथ छुआ उनका, उनका हाथ को पकड़ के मैं खड़ी हुई। तो जब कहते हैं ना माँ बाप ने हाथ पकड़ा हो तो वो कभी नहीं छोड़ते बच्चों का हाथ, बच्चे अगर हाथ पकड़े तो वो छूट जाता है कभी ना कभी, लेकिन अगर माँ बाप ने हाथ पकड़ा हुआ है, भगवान ने हाथ पकड़ा हुआ है, वो हाथ कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं छोड़ता। तो वो वही है, वो हाथ जब से उन्होंने मेरा वो हाथ पकड़ा हुआ है आज तक पूरे परिवार को उन्होंने संभाला हुआ है। कैसे ये हमारा पेंडेमिक का 2 साल निकले, जॉब नहीं कुछ नहीं, लेकिन इतने आराम से उन्होंने ऐसे रखा हुआ है, इतने नहीं तो पहले संगत जी छोटा छोटा सा कुछ होता था बहुत टेंशन आ जाती थी दिमाग में, हाय कैसे होगा, हाय कैसे होगा, अब एक बार भी नहीं आता। अब तो ये सुनने को मिल जाता है कविता आंटी तू तो बहुत मस्त हो गई है एकदम से, तू सोचती नहीं है, पर टेंशन ही नहीं आती, सीधा आता है कि बैठे है ना अपने आप करें, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैंने कुछ करना ही नहीं है, ना मैंने कुछ सोचना है ना मैंने कुछ करना है,
पहले जॉब जाती थी तो फटा थोड़े थोड़े 2-3 दिन बीतते नहीं थे, दिमाग में आ जाता था नहीं नहीं जॉब नहीं करनी, बिल्कुल मतलब जॉब करनी है, इतना आराम से नहीं बैठना, चलो नौकरी ढूंढो लग जाओ काम पे, टेंशन होती थी। मुझे बड़ी प्यारी से एक संगत ने समझाया, क्यों कहती है पागल, जल्दी की नौकरी करनी है, गुरु जी ने देखो महारानी बना के रखा और तू नौकरी मांगती है उनसे, छोटी चीज क्यों मांगती है, बड़ा मां। वो दिन और आज का दिन मैंने मन बोलना छोड़ दिया, मुझे नौकरी नहीं चाहिए मुझे महाराज जैसे रखोगे मैं वैसे रहूंगी, बोलोगे ये कर घर के काम कर ये कर जो कराओगे सब करूंगी लेकिन अपने मुंह से नहीं बोलूंगी। गुरु जी कुछ नहीं, संगत जी कुछ नहीं मांगा उस दिन के बाद से, ना कभी ये बोला कि ये नहीं है वो नहीं है कैसे होगा कैसे नहीं, नहीं। जब जिसका जैसा टाइम आएगा वो अपने आप उनकी मैजिकल छड़ी मेरे पापा की घूमेगी और मेरे पास सब कुछ हो जाएगा। तो इतना कुछ उन्होंने बख्श रखा है, इतना कुछ उन्होंने दाद दे रखी है, तो और क्या मांगे उनसे, इतना प्यारा परिवार दे रखा है, कहीं किसी चीज की कोई मतलब एक दिमाग में कुछ एक डाउट आता है कि इतनी प्यारी प्यारी संगत है, किसी को भी फोन करो यू मैसेज से किसी भी चीज से ऐसे डाउट क्लियर करते हैं, ऐसा आता है बस कुछ और मांगने का कुछ और कहने का कुछ और करने का दिल ही नहीं करता। संगत जी इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी, इतना कुछ बख्श देते हैं कि उनका हाथ जब पकड़ लिया है तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, अब तो चाहे कैसे भी रखें जो मर्जी कराए जैसे नींबू माखन निचोड़े जो मर्जी करें लेकिन ये दर से नहीं जाना, जो है बस यही है सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे माते। कविता जी द्वारका मोड़ से जब इस घर पर आइए, बड़े घर में आप भी सुनाइए सत्संग। बिल्कुल अंकल, जब मैं द्वारका मोड़ से ये मैंने द्वारका की संगत में आना स्टार्ट किया था, शुरू किया, बड़ी प्यारी संगत मुझे मिली और यहाँ से जाने के बाद जब वापस मैं अपने घर जाती थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था द्वारका इज अ वेरी ग्रैंड, एक ग्रैंड जगह से मैं एक छोटी सी गली में चली जाती हूँ, एक मतलब एक वीआईपी सोसाइटी से पता नहीं कहाँ खड्डे में घुस जाती हूँ जाके, तो बड़ा मन उचाट होता था ये कहाँ जा रही हूँ वापस कहाँ जा रही हूँ, लेकिन क्या करती घर था वहां पे जाना था, बहुत हमेशा यही बोलती थी नहीं मुझे यही द्वारका में ही रहना है द्वारका में ही रहना है। और मैंने अंकल को बोलना शुरू किया अपने अंकल को, नहीं अंकल कि मुझे पंकज अंकल मुझे ना द्वारका में शिफ्ट होना है, पहले तो खूब डांट पिटी, पता है क्या किराया मतलब क्या रेंट मिलेगा वहां पे कितने खर्चे बढ़ जाएंगे ये है वो है सब कुछ बहुत कुछ सुना, तो मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं होगा, हम बच्चों का स्कूल एक्चुअली द्वारका में ही है सेक्टर 11 में, तो बच्चों के स्कूल के आसपास देखते हैं सो दैट हमारी कन्वेंस बच्चों की ये बच जाए, बिकॉज स्कूलों की कन्वेंस ही इतनी ज्यादा है कि जितनी आप लगा लो जैसे हम लोग ट्यूशन फीस देते हैं, तो बड़ी मुश्किल से इनको मनाया कि ठीक है हम जितना बजट हमारा अभी जाता है उतने बजट के आसपास आप तुम देखो फिर बात करो। संगत जी आप मानेंगे नहीं, जब भी यहाँ द्वारका किसी सत्संग में आना मैंने और साथ में अपनी लिस्ट तैयार होती थी कि इस सोसाइटी में जाके देखना है उस सोसाइटी में जाके देखना है, मतलब सत्संग के साथ साथ गुरु जी खूब घुमाते थे मेरे को द्वारका में, और द्वारका की शायद ही कोई सेक्टर बचा होगा या शायद ही कोई ऐसी सोसाइटी बची होगी जो मैंने नहीं देखी, मैंने तो बहुत छान मारी बहुत इधर इतनी प्यारी प्यारी संगत सबसे बहुत एडवाइस ले लेके मैंने यहाँ पे जब किया, तो लेकिन जब देखा ये तो सब अपने बजट से बाहर जा रहा है, मुझे मिला कि 22 हजार का 20 से 22 हजार के बजट में देखो और यहाँ मुझे मिल रहा है 28 से 30 हजार के बजट में, क्या करूँ अपने अंकल को कैसे मनाऊंगी, और उस समय मैं भी काम नहीं कर रही थी घर पर थी, तो बोलते हुए भी लग रहा था कि ये बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो लेकिन फिर भी हिम्मत करके अभी जिस सोसाइटी में सेक्टर 5 में जहाँ हमारा घर है यहाँ गुरु संगत रहती है उनके घर सत्संग में मैं आई थी यहाँ पर, और जैसे ही सत्संग फिनिश हुआ उनका नाम शशियान जी है इस सोसाइटी में हमारे में रहती है, और उन्होंने मुझे एकदम से छूटते ही बोला कविता आंटी यहाँ पे आपके लिए घर है गुरुजी जा रहे हैं आप वो घर ले लो, मैं बिल्कुल खुश, मैं तो बहुत खुश, मतलब कहाँ मैं बोल रही हूँ 2 BHK मेरे को मिल जाए मेरे बजट में और ये सोसाइटी है 4 BHK एंड बिल्कुल ऑन रोड 5 सेक्टर में, ये तो भाई ये तो खूब डंडे पड़ेंगे अगर इसका मैंने बजट सुना दिया अपने अंकल को तो, बट फिर भी नहीं मैं घर तो देखूंगी। एंड संगत जी जैसे ही मैंने घर देखा शानदार घर एकदम सन फेसिंग 4 BHK घर मिल रहा है मुझे और बिल्कुल
के बिल्कुल बात हो रही है, नहीं यही घर देखना है, मेरा मन यही बिल्कुल अटक अटी हो गया कि मुझे यही घर लेना है, जहाँ मैं रोज गुरु जी से जाके अपने सत्संग के बाद जब घर पहुंचती थी द्वारका मोड़ पे, और गुरु जी को कहती थी गुरु जी कैसे कैसे घर दिखा रहे हो, सुंदर सा घर दिलवा दो, और कोई भी अच्छा सा घर होगा तो गुरु जी एक रूम में आपका इतना सुंदर बनाऊंगी अपनी तरफ से, जितना मैं बना सकती हूँ, जितनी मेरी हिम्मत होगी एक कमरा मैं आपके लिए बनाऊंगी। और जी मुझे गुरु जी ने घर दिलवाया, जो मैं कहती थी मुझे 2 BHK दिलवा दो, और मुझे गुरु जी ने घर दिलवाया 4 BHK, वो भी मेरी बजट में, और इतना सुंदर उनका एक सेपरेट रूम है गुरु जी, ये मैंने दोनों तरफ उनके लिए गद्दे बिछा रखे हैं, गद्दी नहीं लगाई हुई, बिकॉज मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, इस लायक नहीं हूँ कि मैं उनकी सेवा कर सकूँ, वो मेरी हिम्मत नहीं होती, और उनके लिए बिल्कुल एक पूजा रूम बिल्कुल सेपरेट से है, जितने हमारे पास स्वरूप थे सब उस कमरे में लगे हुए हैं, और यहाँ आके और जो भी हमारे घर में, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो चाहे गुरु संगत हो, जो भी आता है सब पूरा घर छोड़ के सबसे पहले इस रूम में आके बैठता है कि नहीं ये कमरा आपका सबसे अच्छा है। तो मेरे गुरु जी का कमरा इस घर में इतना अच्छा है, मतलब मेरे गुरु जी इतने अच्छे हैं कि खुद उन्होंने भी अपने लिए एक रूम दिया और मुझे भी इतना बड़ा घर दिलवाया कि मैं खुशी से नाचते इस घर में घुसी थी, और इतनी खुशी हुई थी कि गुरु जी ने कहा, मतलब कहा मैं बोल रही थी 2 BHK चाहिए और कहा मुझे 4 BHK मिला। वही बात है कि हम सोचते अपने दिमाग लगाते ना, हम अपना ज्यादा दिमाग लगाते हैं पर हम कहते हैं नहीं नहीं हमें तो छोटा सा ही दे दो, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस मालिक ने पता नहीं हमारे लिए क्या सोच रखा है, क्या वो हमें क्या देना चाहते हैं, हमारी वाकई झोली कम पड़ जाती है और हम पागलों की तरह छोटा छोटा मांगते रहते हैं, और वो मालिक हमें क्या देगा। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कविता आंटी के एक सत्संग से एक और सत्संग जुड़ा हुआ है, ये जो कविता आंटी जो एफर्ट्स कर रही थी कैसे पंकज जंगल को बनाऊ मैं, ये तो बजट चला के बजट के हिसाब से करने वाला ऐसे तो काम वो आएगा नहीं। तो हमारे यहाँ जो हम लोग जब से गुरु जी से जुड़े थे तो हम शुरू से ही ना अमृत वेले का सत्संग करते थे, जो भी संगत आती थी अमृत वेले में ही आती थी, और गुरु जी ने जब परिवार गुरु संगत के रूप में दिया तब हम लोगों ने इस चीज को उस दिन हमारे वहाँ घर में हमने अर्ली मॉर्निंग का सत्संग रखा था, मतलब वो अमृत वेले का, और अमृत वेले के सत्संग में एक गुरु संगत आती थी रजबगढ़ से सुमन आंटी, तो उन्होंने अपना सत्संग सुनाया और उन्होंने कहा कि गुरु जी कह रहे हैं कि पंकज अंकल अपने घर धरती लगाओ। तो मैंने कहा आंटी घर आपके सामने है, अभी घर में एक भी कोना ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मतलब कुछ थोड़ा भी सामान रखा जा सके, तो गुरु जी की गद्दी लगाने की अगर उनका आदेश है तो गुरु जी को कहो कि भाई कम से कम ऐसा कर तो दिलवाए जहाँ पे गद्दी लगाने की जगह हो, और नहीं तो जहाँ पे बैठना ही घर उन्हीं का ही है, अब आप तो गुरु जी हो गए तो घर तो उन्हीं का ही है। और उसी के बाद ही जब कविता आंटी ने ये वाला मकान देखा होगा, और देखने के बाद में मतलब उन दिनों में मेरी मैं जिमराना चला गया था, निगराना में था, और जैसे मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया कि गुरु जी हमेशा आपका साथ देते हैं, हर पल साथ देते हैं अंकल, मैं आपको बताऊं कि ये मेरी लाइफ की एक ऐसी ऐसे समय था कि मतलब मैं जब सब कुछ जैसे मिरेकुलसली होता चला जा रहा है जो मेरे हाथ में नहीं है, और जो मैं सोच रहा हूँ कि अरे ये कैसे हो गया। कविता आंटी ने बच्चों को ला के दिखाया, इन्होंने मेरे से बोला कि क्या आप छुट्टी लेके आ सकते हो, तो मेरे मुंह से यही निकला कि भी जब रहना तुम लोगों ने मुझे तो अपनी नाड़ा में रहना, तो मैं तो कभी कभी आऊंगा। तो ये सब ये है कि आप लोग सेफ एंड सिक्योर होने चाहिए। गुरु जी ने मेरे को बाहर भेजा तो मेरा दिमाग एकदम से पलट गया कि अब मैं ऐसी जगह पे घर होना चाहिए जहाँ पर पीछे सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रॉपर हो, और द्वारका में जैसे सोसाइटीज है तो सोसाइटीज के अंदर में क्योंकि दो बेटियां हैं कविता अकेली है, फिर तीनों कैसे रहेंगे। तो गुरु जी ने इनको फिर सोसाइटी में यहाँ मकान दिलवाया, और इन्होंने मेरे को वीडियो बना के भेज दिया कि ये मकान है। मैंने कहा भी जब रहना आपने तो आपने आप ओके डन करो, मुझे ये बता दो कि मैंने कौन से अकाउंट में कितने पैसे डिपॉजिट करने हैं, मैं करता हूँ। और आप माने अंकल पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ में, शिफ्टिंग्स तो हमने लाइफ में बहुत सारी की हैं, जब से शादी के बाद से बस जब घरों में एक घर से दूसरे में ही हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद स्टेबिलिटी जो लेके आया वो गुरु जी लेके आए,
मैं निमराणा में था, आंटी ने बोला मुझे घर पसंद है, बच्चों ने बोला पापा हमने ये घर लेना है, मैंने कहा जब लेना है तो लो, और मुझे छुट्टी नहीं मिली अंकल, क्योंकि वो अक्टूबर का महीना था, दिवाली का महीना था, और फेस्टिवल सीजन में बॉस ने कहा पागल हो गया इस समय में छुट्टी देगा, और हमारे यहाँ तो नवरात्रों में भी माता रानी की अखंड जोत जलती है बचपन से देखते आ रहे, तो इसलिए वो चलता है, तो नवरात्रों में भी नहीं आया था मैं घर पे, और फिर कविता आंटी ने कहा कि भी शिफ्ट करना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब जो कहेंगे वो तो गुरु जी करेंगे, और गुरु जी ने ऐसा वो किया कि मतलब मुझे एक गुरु संगत में से ही एक ऐसे मिलते जो मूवर्स एंड पैकर्स का काम करते थे, अविनाश अंकल थे वो भी, और उन्होंने उनसे मैंने बात करी और उनको बोला कि एक बार आप मेरे घर जाके सामान देख लो अंकल, शिफ्टिंग करानी है लेकिन मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो अंकल बिल्कुल चिंता मत करो मैं सब संभाल लूंगा, और वो मेरे घर गए, उन्होंने सामान देखा, कविता आंटी को बजट बताया और उन्होंने डेट बताई कि इस दिन हम शिफ्ट कर सकते हैं, और वो दिन ऐसा था, नहीं तो इससे पहले जब शिफ्टिंग होती थी तो एक एक हफ्ता पहले हम पैकिंग में लग जाते थे, फिर उसके बाद अनपैकिंग में एक हफ्ता 10 दिन लग जाता था, और वो दिन ऐसा था कि मतलब वो अर्ली मॉर्निंग अपनी लेबर को लेके आए और उन्होंने कविता आंटी को बोला कि आंटी आप बिल्कुल साइड में बैठ जाओ, अगर आपने एक सुई भी उठाई ना और पंकज अंकल को पता लग गया तो बड़े नाराज होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ ये बता दो कौन सा सामान कैसे क्या करना है, कौन कौन सा सामान आपका है, और उन बड़े आराम से सारा का सारा सामान पैक किया, पैक करके लोड किया, लोड करके यहाँ पर वो लेबर चढ़ाया, उन्होंने शिफ्ट करवाया, और यहाँ पर आके अनपैक करके और पूरा घर सेटल करके देके गए, और मतलब जैसे मतलब मेरे घर का काम है, कि सारे के सारे लोग मेरे घर के ही थे, मुझे 1% भी टेंशन नहीं, मैं वहां पर बैठा बैठा मेरे को शाम को फोन आ गया कि घर सेटल भी हो गया और गुरु जी ने ऐसी संगत भेजी, देखो आज उन्होंने ये सब कर दिया, मतलब हमारे लिए बिल्कुल वो एक ऐसा था कि सरप्राइज था कि मतलब गुरु जी ये क्या करवा दिया आपने, ऐसा भी होता है क्या, तो शिफ्टिंग भी करवा दी, मतलब मैं सिर्फ छोटी दिवाली वाले दिन मुझे छुट्टी मिली, जब वहां से हम लोग ने मतलब पूजा करी और पूजा करने के बाद छुट्टी मिली और मैं दिवाली वाले दिन घर आया आपसे, तो देखा वाह गुरु जी आपने तो यार वाकई कहते हैं कि मतलब आप क्यों मांगते हो, कि आप जो मांगोगे हो सकता है शायद गुरु जी तुम्हें वो ना देना चाहते हो, कुछ बेहतर देना चाहते हो, तो इसलिए मांगना नहीं है मानना है, और सच में जब गुरु जी से माना कि अब तो आप नहीं देखना हमने क्या करना है, जहाँ रहना है अपने आप देख लो, और उन्होंने अपने हिसाब से ऐसा कर ढूंढा कि जो भी संगत हमारे घर आती है वो ये कहती है कि यार मजा आ गया था आपके घर में ना, एक लगता है कि हाँ गुरु जी है, उन्होंने अपना कमरा खुद से चूज किया, अपने कमरे में सेटिंग भी अच्छे से करवाई, जहाँ जहाँ कमी थी वो चीजें भी हमारे घर में कभी किसी सत्संग से कभी किसी सत्संग से अपने आप से ही आ जाती है, कभी गुरु जी का रूप मिल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हर चीज का छोटी से छोटी चीज का ध्यान अपने आप से रखते हैं, आपको कहने का मौका नहीं मिलते, आप बस सिर्फ शुक्राना किए जाओ और देखो फिर गुरु जी का जलवा वो क्या क्या करते हैं, आप सोच नहीं सकते कि वो क्या कुछ कर देंगे, लेकिन सिर्फ आपको सरेंडर करना होगा, आप सरेंडर करते हो तो गुरु जी सब कुछ करते हैं, शुक्राना गुरु जी।